प्यारे बच्चों आइए चलते हैं हम लोग क्लास नाइन्थ के सीबीएसई का साइंस पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास नाइन्थ के लिए जो हम लोग एनसीईआरटी से साइंस पढ़ रहे थे, पिछले बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे बुक के अंदर वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके आगे का जो टॉपिक्स है वो है हम लोगों का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, टॉपिक देंगे एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों वह मेजरिंग है, वह मेजरमेंट है जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिट टाइम में होता है, यानी कि एक टाइम में अगर वेलोसिटी का जितना चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम, तब हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चलिए सबसे पहले कुछ बात लिखेंगे। तो फर्स्ट अरो दिया लिखा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज अ स्मॉल ए, उसको किससे डिनोट करते हैं छोटा ए से। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज अ स्मॉल ए। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे एसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर पढ़ते हैं, और ये जो है ना इसको पर पढ़ते हैं, पर, और नीचे क्या सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आखिर ये चीज है क्या जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी यूनिट टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से सूचित करते हैं, तो स्मॉल ए हो गया इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को पता है ना भी से सूचित करते हैं, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी को यू से सूचित करते हैं, और बट्टा में हो गया टी। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम लोग का फार्मूला निकला तो ए बराबर क्या भी माइनस यू बट्टा में टी। इसी भी माइनस यू को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम का मतलब एकांक समय में परिवर्तन की दर जो हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे मान लिया कि हम चले थे 80 किलोमीटर पर आवर से, और हम जब स्टार्टिंग फाइनली पोजीशन पे पहुंचे हैं
90 किलोमीटर पर आवर से, कितने टाइम में, 5 आवर में, तब हम लोग का फाइनल हो गया 90 और चले थे 80 से, तो 90 में से 80 को माइनस कर लेना है और डिवाइड कर देना है जितना टोटल टाइम लगा था, तब इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया प्यारे बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूविंग, स्टार्ट ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है विद 80 मीटर पर सेकेंड, कितना से स्टार्ट करता है, 80 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे ही वो एंड अप करता है यानी कि फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है तो उसका जो स्पीड होता है वो 90 मीटर पर सेकेंड होता है, और टोटल इस जर्नी में चेंज आया वो टोटल 5 सेकेंड में चेंज आया, ठीक है। तब बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना ए का वैल्यू होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों, सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल वे अपना सकते हैं। सबसे पहले ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो भी माइनस यू बाई टी, तो भी माइनस यू बाई टी, भी के जगह पे कितना है 90, यू के जगह पे कितना है 80, बटा में कितना, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 90 में से 80 गया 10 बटा 5, तो कट जाएगा 2 में, तो आंसर सिर्फ 2 नहीं करना है प्यारे बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिए हम लोग कि अगर हमें यू का वैल्यू दिया रहे, v का वैल्यू दिया रहे और t का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेन हम लोग का जो पूछता है क्वेश्चन एक्सेलरेशन के बारे में जरूर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज अ स्मॉल ए। त्वरण को यानी कि एक्सेलरेशन को ए से सूचित करते हैं, डिनोट्स करते हैं। चलिए तो अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा और फिर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो क्वेश्चन लिखा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन कॉमा राहुल पैडलेस हिज बाइसाइकल, पैडलेस PADDLES पैडलेस हिज बाइसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर इन 30 सेकेंड, 6 मीटर इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, देन वी अप्लाइड, देन वी अप्लाइड ब्रेक्स, ब्रेक BRAKES ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाते हैं ना साइकिल में, वही ब्रेक्स, अप्लाइड ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकल कम्स डाउन टू 6 मीटर
सॉरी 4 मीटर कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड नेक्स्ट 5 सेकेंड फुल स्टॉप कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकल इन बोथ केस। चलिए तो अब आते हैं हम लोग कि ये सवाल क्या बोल रहे हैं। पहले बच्चों सवाल बहुत बढ़िया है, आप पहले इस लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि जो हम लोगों का न्यूमेरिकल रहता है वो किस फॉर्म में रहता है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम से आपको कुछ बात ढूंढना होता है कि क्या क्या का वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या का वैल्यू निकालना है। पहले बच्चों एक राहुल नाम का एक लड़का अपना जर्नी को स्टार्ट करता है एक स्टेशनरी पोजीशन से। अब स्टेशनरी पोजीशन क्या है, तो जहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू होता है वो होता है स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, जहां से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है स्टेशनरी पोजीशन। तो राहुल जो है एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो जब यहां से स्टार्ट होता है तब इसको बोलेंगे स्टेशनरी पोजीशन। जब स्टार्ट करता है और किसी खास जगह पे पहुंचता है तब उसका मोशन 6 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब जब यहां से जैसे ही फिर से चलना शुरू होता है, यानी कि उस स्थान से फिर से चलना शुरू करता है और फिर आप साइकिल में ब्रेक लगाता है तो उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो बोल रहा है कि दोनों सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। प्यारे बच्चों अगर यहां से यहां तक का टाइम देखा जाए तो 5 सेकेंड लगा है और यहां से यहां तक भी उसको कितना लगा, 5 सेकेंड ही लगा हुआ है। तो यहां से आप चीजों को देख पा रहे होंगे, तो दो पार्ट में यहां से डिवाइड कीजिए। एक पार्ट हो गया इधर फर्स्ट पार्ट और इधर हो गया सेकेंड पार्ट। अब जब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे आप कि फर्स्ट पार्ट में कितना से वो चलना स्टार्ट किया है, तो 0 से, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट किसको कहते हैं, जहां से वो चलना शुरू करता है। तो जहां से चलना वो शुरू करेगा वहां पे उसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट केस में उसका फाइनल कितना है, तो 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v का वैल्यू दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों u का वैल्यू दे दिया 0 मीटर, क्योंकि ये 0 बोल नहीं रहा था, आपको लैंग्वेज को पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जहां पे भी स्टेशनरी पोजीशन दिया रहता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग u का वैल्यू 0 लेते हैं। तो और कितना टाइम लिया है, तो टाइम बराबर 5 सेकेंड। तो इस केस में भी आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। अब जरा इसमें हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर केस में। तो ये जो सेकेंड नंबर केस है इसमें बोल रहा है कि स्टार्ट कितना से हो रहा है, 6 से, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है फर्स्ट वाले के लिए लास्ट हो रहा है और सेकेंड वाले के लिए शुरू हो रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में यू बराबर कितना होगा, इस केस में यू बराबर कितना होगा, तो यू बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो यहां पे भी कितना होगा, लास्ट कितना कर रहा है, तो 4 से कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपको टी का वैल्यू कितना दिया है,
तो दूसरे वाले में भी टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो इसीलिए बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जो निकालना है वो दोनों केस में निकालना है, बोथ केस, बोथ सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो जरा हम सबसे पहले फर्स्ट में चलते हैं, तब सेकेंड में चलेंगे। फिगर जैसे बनाए हैं आप फिगर को समझने के लिए बना लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट को अगर देखें तो ए बराबर फार्मूला क्या लगेगा, भी माइनस यू बटा में टी। तो भी का वैल्यू कितना है 6, यू का वैल्यू 0 बटा टी का वैल्यू कितना 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 6/5। और 6/5 का मतलब कितना, 6/5 का मतलब यह हुआ कि 6/5 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। नहीं सॉरी सर, यहाँ पे 30 सेकेंड दिया था तेरे बच्चों, पहला वाला के लिए जो टाइम है ना वो 30 सेकेंड दिया था, इसलिए हम यहाँ पे 30 सेकेंड रखेंगे। 5 नहीं दिया था, 30 दिया था। तो यहाँ पे 6/5 30। हम जब भी फर्स्ट केस में बनाया ना कि यहाँ पे भी 5 सेकेंड रख दिए, वहां पे भी 5 सेकेंड, तो ये गलती है। यहाँ पे 30 सेकेंड सुधार लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सवाल बोल रहा था कि फर्स्ट केस में जो टाइम लग रहा है वो 30 सेकेंड का लग रहा है। तो 30 रखेंगे तो 6 से ये 5 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन के लिए बात करें तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए तो आंसर आ गया कितना 0.2। अब सेकेंड के लिए बात कर लेते हैं, तो सेकेंड के लिए भी आप लगाएंगे a बराबर क्या, v माइनस u बटा में t। तो v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू 4 माइनस 6 बटा में 5, तो कितना हो जाएगा -2/5। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन हो गया और वो फर्स्ट के लिए एक्सेलरेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में स्पेशल पढ़े कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट्स करते हैं, एक्सेलरेशन का क्या ऐसा यूनिट होता है। तो आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियोज में, अगले क्लास में हम लोग कुछ आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।